डेट है 21 तारीख 21 फरवरी और अभी टाइम हो रहा है 5:16 और मैं दोपहर 12 बजे से काम कर रहा हूँ और मैंने आज का टारगेट रखा है देखते हैं 1400 तक कर लेंगे कि नहीं, मतलब मैं जब तक घर पे जाऊँगा तब तक का। अभी फ़िलहाल रात के 2 बजे तक काम करने वाले हैं तो देखेंगे 2 बजे तक कितने की अर्निंग हो जाती है। तो अभी मेरे को एक ऑर्डर लगा, बहुत छोटा सा ऑर्डर है 25 रुपये का, आगे से पिकअप करना है। तो दोस्तों पिकअप लोकेशन पे आ गया, यहीं से पिकअप करना है और यहाँ पे रीच कर देते, देखते रेडी है कि क्या है, रेडी दिखा रहा है, जाना कहाँ से है, यही है ना, कहाँ जाना है, कहाँ बाजू का ही तो दिखा रहा है, बस ऑक्सफोर्ड है सामने वाली बिल्डिंग का है, यहाँ से 450 मीटर का दिखा रहा है डिलीवरी लोकेशन। तो लेके चलते हैं, डिलीवर करते हैं, अगर ऐसा छोटा छोटा ऑर्डर मिलेगा तो फिर तो अपना टारगेट हो गया, अपने को चाहिए था बड़ा बड़ा ऑर्डर। इसके बाद देखते हैं कौन सा ऑर्डर लगता है कितने का। तो आ गए ड्रॉप लोकेशन पे, ये विंग 302 में देने का है, देखो पाइप गटर का। तो ऑर्डर तो दे दिया और ऑर्डर था 25 रुपये का, अभी मेरे को फिर से एक ऑर्डर लगा है, ये थोड़ा लंबा ऑर्डर है 78 का, इसका पे आउट मिल रहा है। ये पिकअप करना है लेक होम से, चलते 1.5 किलोमीटर का पिकअप है और ड्रॉप दिखा रहा है 7 किलोमीटर अराउंड है, तो इसको पिक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मोबाइल मेरा अभी परसेंटेज दिखा रहा है 36% दिखा रहा है, और ये जो चार्जर का अंदर का जो जैक रहता है ना, वो मैंने पुराना वाला जो था उसमें ढीला हो रहा था तो मैंने इसको चेंज किया था। तो कभी कभी होता है प्रॉपर, कभी कभी पता नहीं इसमें कुछ इशू आ रहा है तो ये भी नहीं होता। तो अभी 36% है, देखते हैं अभी बढ़ता है कि नहीं, चलते वहाँ पे, 1-2% तो बढ़ ही जाना चाहिए वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो हम लोग आ गए पिकअप लोकेशन पे, यहीं से पिकअप करना है, अभी यहीं से देख लेते बैटरी कितना परसेंट हुआ है। 36 पे लगाया था, अभी 37, 1% तो बढ़ गया, ठीक है। रीच लोकेशन कर लेते हो फिर देखते हो, रेडी दिखा रहा है, पिकअप कर लेते चल के। दोस्तों ऑर्डर तो पिकअप कर लिया है यार, ये अपने इधर का एरिया का दे दिया, मैं सोचा था अगर बिक्रोली साइड का रहेगा ना तो थोड़ा अच्छा रहता, उधर अभी ये टाइम पे ट्रैफिक नहीं रहता बिक्रोली, मगर अभी अंधेरी साइड आएंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक रहता है शाम को बहुत। देखते हैं F2 में तो देना है विजयनगर में, शॉर्टकट क्या रास्ता दिखा रहा है अभी गूगल, यहाँ से चांदी वाली फिर साकिना का कोई शॉर्टकट नहीं, जो है रास्ता वही जा रहा है, मगर ट्रैफिक देखो सब पीला लाल दिखा रहा है, दिखा रहा है आधा घंटा लगेगा 7 किलोमीटर जाने में। चलते हैं ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट ऑर्डर पे मिलते हैं। स्टेशन पे थोड़ा सा और रह गया है, बहुत ट्रैफिक है अंधेरी साइड में, अगर मैं वही साइड निकल जाता तो उधर ट्रैफिक बहुत कम रहता, अब भी जाके चालू किया क्योंकि ये रास्ता थोड़ा बंद है तो इसको वजह से इसे थोड़ा कम ट्रैफिक है। अभी आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो BBT है ना वो, तो इसमें बाइक देखो, एक से एक बड़ी बाइक है, फॉर्च्यूनर, एक एक नंबर की गाड़ी, महंगी महंगी इसमें गाड़ियाँ सब खड़ी रहती है। तो दोस्तों ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद फिर से एक बड़ा ऑर्डर लगा है, 1.5 के नीचे जा रहे हैं, 5 5 5 है। तो दोस्तों ये ऑर्डर देने के बाद फिर से एक ऑर्डर लगा, जो ये भी थोड़ा बड़ा ऑर्डर है, 1.5 किलोमीटर पिकअप है और 5-5.5 किलोमीटर का ड्रॉप है, चलते इसको पिकअप करते और कहाँ लेके जाना है ये पता नहीं, एक बार यहाँ से आईडी कार्ड में बिल में शायद लिखा रहता है कभी कभी, मिराज इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड बार 72 मुंबई, नंबर तो शायद से साकिना का आएगा। तो यहाँ से पिकअप करके इसको लेके जाना है अपने को वापस साकिना का, ये साइड बहुत भीड़ रहता है, इसके लिए मेरे को मन नहीं करता इधर आने का। यहाँ पे दिखा रहा है मतलब वहाँ से हम लोग चले थे तो 36 था, अभी घटते जा रहे 32 पे आ गया और
मोबाइल जो है ऑर्डर लेना 15 से 16% के बीच में रहेगा ना, तो अभी ऑर्डर आना बंद हो जाएगा। और उसको चार्ज करने के लिए फिर यही मेरे पास एक है कि इससे ही चार्ज करूँगा, अगर ये चार्ज नहीं हुआ तो मतलब ही नहीं है काम करके। 700 मीटर जाने के लिए इसमें गूगल में दिखा रहा है 4 मिनट लगेगा। ये वाला ऑर्डर तो रेडी है, 7873 सही है। हाँ आ रहे हो, 7873 ऑर्डर पिकअप कर लिया और लेके इसको चलते हैं पिकअप। और ये मिराज कुर्ला वेस्ट में दिखा रहे हैं, लोकेशन मार के देख लेते हैं कहाँ पे दिखा रहे हैं। ओह बहुत लंबा है, इसको 5 किलोमीटर का 22 मिनट दिखा रहा है। तो अभी इसको रखते हैं और चलते हैं, बहुत ट्रैफिक भी दिखा रहा है इस मैप में। अपना भी खुल गया, ये कनाडा कर्नाटका बैंक है, इसमें मेरा एक खाता था जब मैं कुरियर वाले में काम करता था ना, तो कंपनी ने मतलब सैलरी अकाउंट खोल के दिया था इसी में। बहुत अच्छा, मतलब इसका सर्विस भी अच्छा है। मैंने सब मेरे को मतलब अकाउंट कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, तो मैंने ये अकाउंट क्लोज करवा दिया। अभी मेरे को अकाउंट चाहिए नहीं था, तो इसके लिए मैंने ये नीचे से निकलूँ कि उधर से जाऊँ। चलो ये शॉर्टकट मारते हैं, नहीं तो ऐसा रोड से जाएंगे तो फिर वो शमशान भूमि के यहाँ से फिर निकलना पड़ेगा। देखो इधर पूरा लड़के लोग स्कूल के भरे हैं, इसमें बड़ी गाड़ी और कार भी नहीं आती, बस जो है कि अगर ऑटो वाला घुसा लेता तो ऑटो वाला, नहीं तो बाइक, यही दो इसमें से क्रॉस होता है। अरे रे 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 कितना भीड़ है, अभी गूगल आंटी दिखा रही है 4 किलोमीटर और रहेगा, और टाइमिंग दिखा रहा है 16 मिनट दिखा रहा है। आंटी कैसा चल रही है भाई, लड़की है आंटी है, बीचों बीच में चल रही है। जो बीच बीच में ऐसा पानी गिरा रहता है ना, काफ़ी डेंजरस रहता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर उसके ऊपर जाने के बाद ब्रेक मार दिया तो फिर तो गया गाड़ी गया, आपका गिरना तय है। और 3 किलोमीटर और 13 मिनट, मतलब समझ रहे हो, इधर जो मैं अभी रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ ना, ये देखो कौन सा झटके से निकाला, खुद तो जाएगा भाई दूसरे को भी लेके जाएगा, ऐसे चूतिया लोग पड़े रहते हैं ना। मोबाइल का बैटरी घटते जा रहा है, पता नहीं क्या करूँ, देखो अभी 29 हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो फिर ऑफलाइन हो जाऊँगा। चलो दोस्तों, अपना टारगेट था रात को 2 बजे तक काम करने का, और यहाँ पे बज रहा है 9 बज के, मैं आपको बंद करके दिखा देता हूँ टाइम, देखो 9:33, और इसने मेरे को कैश लिमिट ब्रीच करके ऑफलाइन कर दिया, प्लस ये जो चार्जर है ना, ये गाड़ी का ये चार्जिंग भी नहीं ले रहा है, तो अभी चार्जिंग भी 17% आ गया और चार्जिंग बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो एक तो वो रीज़न हो गया, दूसरा ये तो कैश लिमिट ब्रीच कर दिया तो इसको ऑफलाइन डाल दिया, तो अभी कुछ कर नहीं सकते, अभी डायरेक्ट घर पे ही जाते, अभी कुछ मतलब नहीं है। तो जो गीक्स है उसको जो इसमें लेट नाइट वाला उसको कैंसिल कर देते हैं, तो जो कैंसिल करते हैं ना पर गीक्स तो 5 रुपया काटते हैं, अगर कैंसिल नहीं करते तो 10 रुपया इनकम्प्लीट का काटता है। तो 2 कैंसिल कर दिया, तो ये इसमें अभी कल 12 बजे का दिखा रहा है, और यहाँ पे 7 से 8 इसका अभी मतलब ये 1-3 गीक्स मेरा इनकम्प्लीट जा रहा है। और मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो 9 घंटा 9.5 घंटा काम हो गया, मतलब 10 घंटा पूरा पकड़ लो, और 950 का काम हुआ बस इसमें। अभी ये गीक्स कैंसिल किया दो तो उसका गीक्स का पैसा 10 रुपये इसने माइनस कर लिया, ऑफ़र का 95 मिला था, बाकी जो है 865 रुपये का काम किया हो, ठीक है। कि 21 ऑर्डर मैंने मारा हुआ है आज के दिन में 12 बजे से लेकर रात को 9:30 तक का। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।